अस असलैक्कम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब बढ़िया मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा तो मेरे पास जो बुकलेट uh, सीरीज़ है दैट इज़ डी एंड माय डियर पेपर इज़ इमोशनल डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस ओके आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं देखिए हैंडलिंग फीलिंग्स अप्रोप्रेटली इसी में आंसर छुपा हुआ है बेटा हैंडलिंग फीलिंग अप्रोप्रेटली फीलिंग्स अप्रोपरीटली यानी फीलिंग्स यहाँ का मतलब है इमोशनज एबिलिटी टू सॉल्व वन इज सेल्फ और द कंपोनेट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट किसी ने पेपर मुझे मतलब सेंड किया है ऑलमोस्ट मैंने जितने भी अभी तक देखे हैं ठीक ही है तो आगे आगे देखें देखेंगे क्या क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं बेटा ऑलरेडी हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है रिकॉग्नाइजिंग हाउ समवन इज फीलिंग इंटरनली इंटरनली मैंने यू आर अवेयर ऑफ यूर सेल्फ तो वॉट इज द राइट ऑप्शन हियर इट इज ए ऑप्शन गुड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बेटा जल्दी से यूजिंग सेल्फ कंट्रोल टू चैनल इमोशन टूवर्ड्स गोल रिप्रेजेंट ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इट इज मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं बेटा जल्दी से अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल परस्पेक्टिव टू अदर्स यानी अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे ना लेकिन दूसरों के इमोशन तो इट इज एम्पैथी माय डियर ओके क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव जो है यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स टू हैंडल सोशल रिलेशन एंड टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स रिप्रेजेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन हैंडल करना इट इज़ सेल्फ रेगुलेशन मॉनिटर करना है तो इट इज़ सेल्फ नॉट सोशल अवेयरनेस बेटा यहाँ पे यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स टू हैंडल सोशल रिलेशन एंड ओके सॉरी यू आर राइट दिस इज राइट ऑप्शन माई डियर दिस इज सोशल अवेयरनेस राइट माय डियर ये सोशल अवेयरनेस है क्योंकि अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरे इमोशंस को अदर्स टू हैंडल सोशल रिलेशंस एंड टू डेवलप इंटरपर्सनल यानी अब ये इन बिटवीन द टू परसनज है इंटर तो इसका सी ऑप्शन सही है ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं मेजर मेजर इंडिविजुअल देखो अगर हम मेमोरी की बात करेंगे कैबलरी की बात करेंगे मोटरसाइकिल्स की बात करेंगे माय डियर इट इज़ नॉट ईक्यू हियर नो इट इज़ आईक्यू राइट तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा सेवन पे मेजर इज लाइफ सक्सेस यस सक्सेस एंड सक्सेस इन हैंडलिंग रिलेशनशिप्स तो जब ये बात होगी तो देन इट इज़ कॉल्ड एज

तो इसमें मुझे डाउट है थोड़ा तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं आई से मेजर हम स्परिचुअल एक्विमेंट नहीं करेंगे नो सो लेट इट बी बेटा क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं बेटा हाँ तो ये वाला ऑप्शन ठीक ही है देखिए सेल्फ इसको क्या हो गया वेट वेट माय डियर हाँ क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इमोशनल इंटेलिजेंस डोमेन तो लास्ट में जब हम पर्सनलिटी की सेल्फ रिलेटेड बात करते हैं ना तो पर्सनल सेल्फ में जो लास्ट स्टेज होता है वो रेगुलेशन होता है तो इट इज द सेल्फ रेगुलेशन दैट इज करेक्ट ऑप्शन माई डियर तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टेन पे इम्पल्स कंट्रोल कर ये भी सही है रेगुलेशन कंट्रोल यानी वैन यू आर एक्चुअली इन अ पुजिशन टू कंट्रोल यूर ओन इमोशनज इसमें मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हुए हैं तो ये यह ना इनशह गलत कहीं पो बा क्वेश्चन नंबर अलेवन अगर हम देख सकते हैं ना क्वेश्चन नंबर अलेवन साइकोलॉजिस्ट ट्राइज टू एसेस द ट्रेटस ऑफ परसिस स्टेबिलिटी एंड वर्क इथिकस विल रिजॉर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टस रीजनिंग देखे ट्रेट इज ट्रेट जो हैबिलिटी वर्क इथिक विद अदर्स आई थिंक बेटा नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज टेस्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अप्रोप्रेट आंसर है ये इमोशन इज डैड स्टीट इसमें इवेल्यूटिव फीचर भी होता है एफेक्टिव इंटेंशनल तो इट इज ऑल ऑफ द एबो इज क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इमोशन अकॉर्डिंग टू पॉल एक्मैन ये कल ही हमने डिस्कस किया था एंगर डिस्कस फियर एवरी थिंग इज देयर बट लव इज नॉट देयर तो माय डियर ऑप्शन ए इज क्लियर ओके चलते बेटा तो जब हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था जस्ट अ सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाँ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं विच डे डैश इज द एबिलिटी टू परसीव इमोशन करेक्टली तो ये भी तो पूछने की बात है ना ये पूछने की बात है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है आपको तो ये इजिली आएगा ये वाला ऑप्शन क्लियर है इमोशंस को परसीव करना टू मोनिटर द इमोशन यू नो याद आया टू एबिलिटी टू मोनिटर एबिलिटी टू परसीव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है तो माई डियर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो राइट right आंसर है दैट इज वॉट बी ऑप्शन ओके चलते हैं बेटा ओके माई डियर तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर इन द वर्क ऑफ ये तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था आप लोगों को ये गलत नहीं हो गया होगा तो इट इज़ गैन किसी ने पेपर बहुत बढ़िया किया है चलिए अच्छी बात है ओके तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे इन विच सेटिंग द रोल ऑफ ई क्यू इज लीस्ट ऑक्यूपेशनल सेटिंग ह्यूमन रिलेशन मैकेनिकल सेटिंग तो यस सी ऑप्शन इज क्लियर कम्युनिटी सेटिंग राइट तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज डन नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो इन सडन जॉब रिक्रूटमेंट्स आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट ई आई मेजर्स इमोशनल इंटेलिजेंट मेजर्स बेस्ट एस इज द कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट ये भी सही है बेटा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट कोनेटिव यानी वर्किंग एफेक्टिव यानी फीलिंग तो ऑल ऑफ करेक्ट आंसर ओके question number 18 dadash is more needed in current times because of it is potential to turn around an individual's performance at the workplaces workplaces and in personal settings yes my dear so it is creativity means when you are in any workplaces, and then you have to discover something new. Okay, so creativity is very important. Day dash is the more needed current time is because it is the potential to turn around and individual's performance at the workplaces and personal settings. No, my dear, sorry, it is it is emotional intelligence because emotional intelligence se hi. I Q प्लस ई क्यू अगर आपको होगा देन यू कैन बेटर परफॉर्म पर्सनल सेटिंग पर्सनली एज वेल एज वेन यू आर इन एनी अदर वर्क प्लेसेस तो क्वेश्चन नंबर एटीन का बेटा इट इज नॉट क्रिएटिविटी बट इट इज इमोशनल इंटेलिजेंस ओके कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आते हैं बेटा हु एम द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद बींग द पय पायूनियर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हो ये भी कोई पूछने की बात है इट इज़ डैनियल गोलमैन एम से कोश कोडस रेटित ना वन 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 ये वहीं रोज याद तेल कर रोज याद ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज डन नाइन्टीन इज़ डन नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अच्छा ए सी सी की अगर हम बात करेंगे ना ए सी सी से थोड़ा ये मतलब इसका लेवल थोड़ा बहुत हाई ही था ओके okay, चलते बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनी बडी कैन बिकम अरे यार पहले ही ऑप्शन पे एनी बडी कैन बिकम एंग्री ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है इट इज़ एरेस्टोटल नॉट रॉबर्ट पुलु चेक नो इट इज़ एरस्टोटल थॉट माय डियर एरस्टो अरस्तो अरस्तो एनी बडी कैन बिकम एंग्री दैट इज ईजी बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री ये एरेस्टोटल है माई डियर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आते हैं गॉलमैन फर्स्ट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइड फाइव डोमेन्स और डायमेंशनज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एनकम्पोसिंग ट्वेंटी फ़ाइव कंपोनेंट्स तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है लेकिन सो फार एज़ गॉल इज़ कंसर्न मैंने शायद आपको कहा था फाइव है लेकिन रिसेंटली फिर ये मुझे लगता है चेंज हुआ है तो इसका मतलब इसको छोड़ दूसरा क्वेश्चन जो है इसको छोड़ देते हैं लेकिन या तो चार इन दो के बिटवीन आंसर है या तो चार है या पाँच है ओके okay, चले बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू गोल मैन इज़ फर्स्ट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइज डोमेनज सेल्फ़ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन एमपैथी सोशल सेल नंबर टू सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेशन एमपैथी एमपैथी एंड सोशल स्किल्स सोशल मैनेजमेंट नो सेल्फ अवेयरनेस एम्पैथी ना मुझे पहला ही ऑप्शन क्लियर है बेटा पहला ऑप्शन क्लियर है सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज़ डन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे आते हैं बेटा देखो अलहमदिल्ला जितना हमने पढ़ा था ना चार पांच वीडियोस मैंने अपलोड किए कम से कम कम से कम ट्वेंटी क्वेश्चन उन्हीं चार वीडियोज़ में हैं ठीक है द फाइनल डोमेन ऑफ ई आई आर फाइनल डोमेन ऑफ ई आई आर सेल्फ़ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ अवेयरनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए पे आते हैं ट्वेंटी टू सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सोशल अवेयरनेस पर्सनल मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट ऑप्शन बी सेल्फ मैनेजमेंट सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप नंबर सी सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट और क्या है देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसमें थोड़ा बहुत एक मिनट ओके बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को भी ऐसे ही छोड़ते हैं बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे ट्वेंटी फोर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इट इज़ सिंपली एन एबिलिटी इट इज़ बी ऑप्शन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट यूज बाई डे डैश इन ए लिटरेरी वर्क प्राइड एंड ब्रिजडिस तो इट इज़ पीटर सेलवी पीटर सेलवी प्रज प्राइस एंड प्रजिडिस फर्स्ट यूज्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई सेलोवेंड मेयर एंड देन इट वॉज पॉपुलराइज बाई डैनियल गोलमेन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आप गोर से देखिएगा देयर इज अगर हम लैटिन वर्ड की बात करेंगे तो इट इज़ इमोवीर लेटिन वर्ड बट इट इज इटमोलॉजिकली इटमोलॉजिकली द इंग्लिश वर्ड इंग्लिश वर्ड जो है इमोशन इज डराव फ्राम देखो द इंग्लिश वर्ड इमोशन इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ई तो इटमो द इंग्लिश वर्ड इमोशन इज डिरा फ्रॉम फ्रेंच वर्ड तो ट्वेंटी सिक्स का बेटा डी नहीं है बट इट इज बी ऑप्शन इज क्लियर ट्वेंटी सिक्स का बी ऑप्शन है सो बेसिकली द इंग्लिश वर्ड इमोशन इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज ई मूवीर और लैटिन वर्ड है इमोवीर ओके आई होप यू गॉट दिस पॉइंट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे इटमोलॉजिकली द इंग्लिश वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम इमोवीर ये वाला सही है तो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन हैं इसमें आपको मुझे लगता है कि गड़बड़ हुआ होगा चलते बेटा ये ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन था ट्वेंटी सेवन ही था ना? हाँ ट्वेंटी सेवन फाइनल ट्वेंटी सेवन राइट ट्वेंटी सेवन तो चलते बेटा अगर हम देखेंगे ये वाला यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर चलते हैं इज ए सटायर ऑफ स्टेट और फीलिंग ऑफ आपको पता ही है कि स्टायर ऑफ एजुटेटेड बिहेवियर एटसेट्रा ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो इट इज़ बी ऑप्शन इज क्लियर ओके माई डियर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे चलते हैं एन इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है तो एन इनली इंटेलिजेंट पर्सन छा डाइवोर्सड वन नो फायर्ड वन नो एनी एंग्री एग्जीक्यूटिव नो बट ए सक्सेसफुल गाय देट इज डी ऑप्शन इज क्लियर ओके नंबर थर्टी नंबर थर्टी पे आते हैं बेटा नंबर थर्टी पे जल्दी जल्दी से आते हैं द एबिलिटी टू मॉनिटर वन इज ओन इमोशनज देखिए ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो इमोशन की जो डेफिनेशन है ना ये डेफिनेशन जो है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी है कौन सी डेफिनेशन द एबिलिटी टू हाँ द एबिलिटी टू मॉनिटर वन इज ओन इमोशंस डैनियल गोलमैन याद रखना द एबिलिटी टू सॉरी सॉरी इट इज एबिलिटी टू मॉनिटर वन इज़ ओन इमोशंस

की uh, प्रिपेयर करेगी और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बेसिकली अगर हम एन की बुक देखते हैं ना बेटा एन बुक मोस्ट रिकमेंडेड बुक है इसमें कहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सेलव मेयर हु कंसिडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू वन इज ओन इमोशंस है ना यही एबिलिटी टू वन इज ओन एंड अदर्स इमोशंस

तो आपका क्या सुकून रहा है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा थैंक यू अल्लाह ब्लेस यू एंड बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन योर लाइफ ओके तो टेक केयर खुदा हाफिज़ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि साइकोलॉजी का पेपर कब है सो दैट आई कैन अपलोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ओके थैंक यू अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग